हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा है। गाइस आज मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने। गाइस ये सारे क्वेश्चन जो मैं मार्क कराऊंगा इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने, तो प्लीज़ इनको स्किप करके मत जाना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन कर लो, स्क्रॉल डाउन करो। सबसे पहले गाइस ऑब्वियसली इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ए सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसके अलावा गाइस अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सको तो और बढ़िया है, कि अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल एग्जाम्पल नंबर वन गाइस आप स्किप कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर टू अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। उसके बाद गाइस मैं नीचे आता हूँ। एग्जाम्पल नंबर थ्री गाइस ये ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको केस स्टडी में ऐसा कुछ आ सकता है, तो इसलिए केस ये वाला अच्छे से करके जाएं। इसके बाद गाइस एग्जाम्पल नंबर फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको करो अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर फाइव यू कैन स्किप। 7.1 की बात करूँ तो गाइस इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसको करके जाओ। फाइव जैसा मैंने आपको बोला केस स्टडी में आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर सेवन्थ एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, इनको गलती से ही मिस मत करना गाइस। और जो मैंने आपको मार्क करा उसको बहुत ही प्यार से करके जाना, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं सेक्शन फार्मूला की बात करूँ तो सेक्शन फार्मूला बहुत ही सिंपल है, एक ही फार्मूला यूज होता है ये वाला, तो इसको भी अच्छे से याद रख लो। इसके बाद गाइस मैं इसका भी स्पेशल केस है कि अगर मिड पॉइंट है वो, तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। इसमें गाइस एग्जाम्पल नंबर सिक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल नंबर सेवन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करो। इसके बाद गाइस मैं नीचे बात करूँ एग्जाम्पल नंबर एट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर नाइन अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से करो। एग्जाम्पल नंबर टेन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये भी अपने लिए अच्छे से करके जाओ। एक्सरसाइज 7.2 की मैं बात करूँ तो 7.2 में अगर आप देखोगे तो इसमें आपका अगेन क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ऐसा कुछ आ सकता है आपके केस स्टडी में, तो इसको एक बार बस देख के चले जाना, दैट्स इनफ फॉर अस। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अगेन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को अच्छे से करो। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर एट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स भी अच्छे से करके जाओ, ठीक है। तो बस गाइस इतना इस चैप्टर से करो, बाकी ये बहुत ही सिंपल चैप्टर, अगेन इसमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है गाइस, तो प्लीज़ उसको स्किप मत करना, बहुत ही अच्छे से करना। कोई भी डाउट हो वन शॉट देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस चैप्टर के जितने भी मार्क्स है वो आसानी से मिल जाए। और गाइस अभी बहुत टाइम है, तो फटाफट अपने बोर्ड्स की तैयारी करो और फुल स्कोर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।